लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की ओर से 2 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी इसे जारी करेंगे, जिसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी राहुल गांधी के साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि न्यूनतम आय गारंटी यानी न्याय योजना के तहत कांग्रेस पार्टी केंद्र में सरकार बनने पर गरीबों को 72,000 रुपये सालाना देगी। इसके तहत देश में 5 करोड़ गरीब परिवारों को प्रति माह 6,000 रुपये तक दिए जाएंगे। साथ ही पार्टी स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट को बढ़ाने और देश भर में किसानों की कर्ज माफी का वादा भी कर सकती है। पार्टी के अन्य वादों में सबके लिए हेल्थ केयर, सभी बेघर अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को जमीन का अधिकार, प्रमोशन में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करवाने और महिला आरक्षण विधेयक को पारित करवाने की घोषणा भी की जा सकती है। राजस्थान में कंसल्टेशन हुआ था, मैनिफेस्टो कमेटी वहाँ पर आई थी, चिदंबरम जी की अध्यक्षता में वो कमेटी ने काम किया है। और ये देश के चुनाव हैं, लेकिन राजस्थान या भारत के उस हिस्से से जो भी मुद्दे जुड़े हैं उसको मैनिफेस्टो में हम लोग डालेंगे। और 2 तारीख को हमने घोषणा ऑलरेडी करी है राहुल जी ने, जो न्याय योजना है, मैं समझता हूँ क्रांतिकारी योजना है। दुनिया में 200 देश हैं, किसी देश में इस प्रकार की योजना किसी पार्टी ने नहीं करी कि सरकार बनने के बाद हम 72,000 रुपये हर उस गरीब परिवार को देंगे जो सबसे गरीब तबके में है 20%। और इसमें जितना भी खर्च करना है, वो 3 लाख करोड़ हो, 4 लाख करोड़ हो, हम लोग करेंगे। अगर मोदी जी 10-15 लोगों को 3.5 लाख करोड़ रुपए का ऋण माफ़ कर सकते हैं, तो कांग्रेस पार्टी की सरकार 3.5 लाख करोड़ रुपए गरीबों को क्यों नहीं दे सकती है। और मोदी साहब ने कहा था कि 15 लाख हर खाते में आएंगे, वो तो जुमला साबित हुआ 5 साल के बाद, लेकिन हमने जो कहा है उसको हम करके दिखाएं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस पार्टी 2 अप्रैल को अपना घोषणा पत्र जारी करने जा रही है। खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पार्टी के मुख्यालय में घोषणा पत्र जारी करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर कांग्रेस के मुख्यालय में घोषणा पत्र की तैयारी जोरों पे है। हालांकि राहुल गांधी घोषणा पत्र जारी करने से पहले न्याय योजना की बात कर चुके हैं, यानी कि न्यूनतम आय योजना, जो कि गरीबों को हर साल 72,000 रुपये सालाना देने का वादा राहुल गांधी कर चुके हैं। खास बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कहा है कि इस न्याय योजना को प्रदेश में यानी कि राजस्थान में सबसे पहले लागू किया जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र 2008 में लोकसभा चुनाव से पहले जारी किया था, उसमें गरीबों को, पिछड़ों को, किसानों को और प्रमोशन में आरक्षण देने की तमाम जो वादे थी वो किए गए थे पार्टी के घोषणा पत्र में। बेघर लोगों को किस तरीके से घर दिया जाए, घर देने की योजना जो है, एक जो वादा है वो किया गया था। उम्मीद लगाई जा रही है कि 2019 के मैनिफेस्टो में कांग्रेस पार्टी कुछ इसी तरीके से अपने घोषणा पत्र में वादे करेगी। देखने वाली ये बात है कि पार्टी मुख्यालय में राहुल गांधी इस घोषणा पत्र में क्या नए वादे लेकर के आते हैं। कैमरा पर्सन अनिल कपूर के साथ प्रीत किरण सिंह, एवन टीवी दिल्ली। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें एवन टीवी न्यूज, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।